इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करने वाला हूं जो अभी के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा फिट बैठता है। जैसे कि कई लोग धोनी की रिटायरमेंट को कंपेयर कर रहे हैं दिनेश कार्तिक के रिटायरमेंट से। नो डाउट दिनेश कार्तिक बहुत अच्छे विकेट कीपर रहे, अच्छे बैट्समैन रहे, मुझे इस पर कोई इशू नहीं है। बट इशू मुझे इस पर है कि लोग कहते हैं कि धोनी ने ना रिटायरमेंट का ड्रामा बना के रखा है। कब कहा उसने कि आई एम रिटायरिंग? ये आप कौन होते हो तय करने वाले? हु आर यू टू डिसाइड दिस? और इस बार भी आप लोगों ने शुरू से मचा रखा है, लास्ट आईपीएल सीजन, अब नहीं आएंगे माही, अब नहीं खेलेंगे। अरे भाई उन्हें क्या इशू है? वो मैदान पर 3 घंटे 4 घंटे आसानी से स्पेंड कर रहे हैं, कभी उसको इशू दिखी आपको? वो इंजर्ड हैं फिर भी वो जैसे हो रहा है कर रहे हैं भाई, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, 20 ओवर्स कर रहे हैं, उनकी बराबरी का अभी भी कोई नहीं है। तो फिर उनकी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट आप कर रहे हो, और सीएसके ऑफिशियल्स ने भी कुछ ऐसा खास कहा नहीं है। सीएसके ऑफिशियल्स ने भी कहा कि धोनी से अभी इस बारे में खुलकर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई इशू है उनके मसल्स में। अभी हाल ही में उनकी नी सर्जरी हुई, इतना अच्छा कमबैक किया, लंदन हाल ही में वो जाने वाले हैं, अपनी जो मसल टीयर सर्जरी है उनकी होने वाली है वहाँ पर। उसके बाद महीने 2 महीने वो वक्त लेंगे, उन्हें लगेगा कि इफ़ ही कैन प्ले ही विल प्ले। और एक बात हो रही है कि उन्होंने हैंडशेक नहीं करा, और ये कौन लोग बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, वो वही लोग होंगे जो 11 के बाद जन्मे होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि उससे अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप किसी से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को उन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करा है। धोनी का फैन हूँ मैं, धोनी को फॉलो करता हूँ, आई लव हिम, आई एडमायर हिम, बट इट डजंट मीन दैट आई हेट कोहली, आई हेट आरसीबी, आई नेवर सेड दैट। तो आप अगर कोई MSDN है, अगर कोई धोनी का एडमायरर है, तो आप उसे कोहली का क्रिटिसाइजर, क्रिटिक भी तो नहीं कह सकते हो ना? ये क्या फॉर्मूला है कि मतलब वी कांट लव बोथ धोनी एंड कोहली एट द सेम टाइम? आपको यही लगता है ना? अरे भाई उनके रिलेशनशिप देखो, उनसे बेहतर किसी की रिलेशन है ही नहीं पूरे क्रिकेट की, जो भी कह लो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब में इन दोनों का जो है बॉन्डिंग स्पेशल बॉन्डिंग है। फिर आप आपस में क्यों लड़ रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आता। और कई लोग बात करते हैं पैसे के लिए खेल रहे हैं, भाई पैसे के लिए तो उनके ना जो सारे जो बाइक्स या जो भी गाड़ियाँ हैं ना वो बेच देंगे ना, कई प्लेयर्स की नेटवर्थ के बराबर हो जाएगी वो, उससे ज़्यादा ही हो जाएगी।